गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा के लिए ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी चल रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां भी किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की और तैयारियों के लिए जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग शुरू होनी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय रहेगा और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम जिले में, जहां पर आप देख रहे हैं कि कल की तैयारियों को लेकर यहां पर कर्मचारी जमा हुए हैं। ईवीएम मशीन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी साथ में भेजा जा रहा है ताकि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की मतदान के दौरान गड़बड़ी ना हो सके और सुचारू रूप से पूरा मतदान का कार्य पूरा हो सके। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, R9 TV, गुरुग्राम।